सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग। नया दिन, नई शुरुआत। दिन तो नहीं है, रात हो चुकी है, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, आपको पता है। तो नई वीडियो लेके आ चुके हैं। टाइटल से आपको और थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किसके ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या बड़ा है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और सैलरी से रिलेटेड सारी जो भी बातें हैं इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। लास्ट मेरी वीडियो थी पोर्चुगल में जॉब्स विंटर्स में कैसे रहती है और किस किस टाइम पे जॉब मिलती है, किस टाइप की जॉब होती है, क्या क्या आपको प्रिपेरेशन रखनी चाहिए पहले से, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। एंड ये वाली वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कितनी सैलरी बढ़ी है, कितना मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो उस मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो चुके हैं, आपको फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कहीं जॉब मिल रही है आपको, वहाँ पर सैलरीज की बात करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे लोग काफ़ी यूँ करते हैं कि जॉब्स नहीं है। जिसके पास जॉब्स है भाई, वो अपनी डिमांड भी रख सकता है, जिसको काम आता है ना, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये वीडियो को प्रॉपर देखना, प्यार दिखाते रहो जैसे आप दिखा रहे हो चैनल पे। अब रेगुलर वीडियोस जितनी रेगुलर हो पाएगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो भाई वीडियोज़ नहीं आ रही, जाके प्यार दिखाओ। तो इतना कमेंट तो जरूर कर देते हो, आप मैसेज भी कर देते हो, बट सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देते करो। आपका एक एक शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लव यू ऑल। वीडियो को पूरा देखना। तो भाई अगर हम बात कर लेते हैं पोर्चुगल की सैलरीज के बारे में, जैसे आपने थंबनेल पे पता लग गया था आपको कि हम सैलरीज की बात करने वाले हैं, तो पोर्चुगल की जो सैलरीज है वो जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट था वो 760 के समथिंग कुछ का था लास्ट ईयर, वो भी बड़ा था, पहले और कम था 710 का, लास्ट ईयर बड़ा था। तो इस चीज़ की ये बहुत बहुत बधाई हो भाई सबको, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि ये 2 साल में इन्होंने सैलरी बेसिस सैलरी इतना बढ़ा दी है। तो अब जाके जो सैलरी बेसिक सैलरी का प्राइस हो चुका है यहाँ पे, मतलब बेसिक सैलरी जो हो चुकी है, जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मिनिमम जिसे कहते हैं, वो चुका है 820 यूरोस। तो ध्यान रखो 820 यूरोस बेसिक सैलरी हो चुकी है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कहाँ मिलता है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि 60 यूरो कम नहीं होता यार, इंसान अपना बिजली का बिल या कुछ ना कुछ भर देता है उससे। और काफ़ी लोगों को जैसे नहीं इतना काम आता है, वो बेसिक सैलरी पे ही काम करते हैं, सब कुछ उनको बेसिक सैलरी के हिसाब से ही मिलता है, उनके लिए अच्छा है। चलो कम से कम उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, कम से कम 820 मतलब 60 यूरो तो बढ़ चुके हैं ना कि सैलरी के अंदर। और इस चीज़ का इफेक्ट ऐसे है, देखिए जैसे हम जॉब करते हैं ना, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, अभी 60 यूरो बढ़े हैं लेकिन हमारा बॉस है 100 यूरो बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि इतने ही कुछ 50 यूरो बढ़े थे, क्योंकि 710 था तो 760 होता, तो 50 यूरो समथिंग कुछ बढ़े थे, बट हमारी 100 यूरोस प्रमोशन हो गई थी तो इस साल बढ़े हैं। तो इस साल भी सुनने में ये आ रहा है कि बॉस बढ़ाने वाला है, बाकी पता लगेगा। अभी 30 तारीख आई नहीं है क्योंकि वीडियो आप देखोगे 25-26 तारीख को, 30 तारीख को सैलरी हमारे आ जाती है, हमारे यहाँ पर लेट नहीं होती, 1 तारीख भी नहीं होती कभी भी, 29, 30, 31 इन दिनों में हमारी सैलरी आ जाती है, तो पता लगेगा कितनी हमारी बढ़ी है। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पोर्चुगल इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी सारे स्टेप अच्छे ले रहा है। और भाई काफ़ी सारे फुद्दू बंदे वीडियो भी बनाते हैं, मैंने देखा है कि जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, आना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप समझ रहे हो तो ये वीडियो पहुंचा देना। 2024 में सिचुएशन पोर्चुगल की आना चाहिए नहीं आना चाहिए, खुद यहाँ पे रह के लोग ऐश करते हैं, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और दूसरों को गुमराह करते हैं। भाई जिसने करना है वो हर जगह कर लेता है, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आता लोग ये क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन वो कंडीशन फलाना ढिकाना, यार मारते हैं कंडीशन अलग है, बट हर एक बंदे का अपना स्टैंड है, अपना बंदा अपने आप सही कर लेता है। जिसने आना है आएगा ही, ना उसको मैं रोक सकता हूँ, ना कोई और इन्फ्लुएंसर जो रोक सकता है। काफ़ी लोग ऐसे जो पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पे लेके सिल्वर बटन हो चाहे जो भी हो, कि इन्फ्लुएंसर भड़का रहे हैं, भाई कोई नहीं भड़काता, ना हम भड़काते ना वो भड़काते। बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी दिखाओ। अब बात रही ग्राउंड रियलिटी हम दिखा रहे हैं ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे जाने वाले सारे काम कर रहे हैं यार, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो काम मांगते रहते हैं, जिनको काम मिल जाए उसके नशे वशे करके फिर साले काम नहीं मिलते उनको, काम पे नहीं जाना, पी के जाना, गंदे तरीके से जाना यार, क्योंकि अगर आप बाहर देश में काम कर रहे हो, इंडिया की बात अलग है, इंडिया में भी किसी प्रोफेशनल जगह में आप जाओगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, है ना, प्रॉपर बंदा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे भी देखे हैं मैंने, वेटरी कर रहे हैं, कपड़े धुले नहीं होते उनके, मुँह उठा के ऐसे चले जाते हैं, हेयर कटिंग वगैरह, बियर्ड सेट नहीं है, मुँह धोया नहीं हुआ, तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है पोर्चुगल में। मेरे को पता है रहने की और जॉब्स की थोड़ी सी इशू आती है, बट बंदा आता है यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा अपनी जेब से खर्चा करना पड़ जाता है 1-2 महीने, चलो जब तक चीज़ नहीं मिलती, बंदा उसके बाद एक दूसरे से मिलता है, हेल्प मांगता है, ढूंढता है, तो सेटल हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि
सीज़न की बात है कि कभी कभार सर्दियों में अगर कोई आता है तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है जॉब्स मिलने में, कुछ चीज़ें मिलने में। घर तो उस टाइम मिल जाते हैं, चलो घर खाली होते हैं, बट जॉब्स में थोड़ी इशू आती है। बट ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही ऐसा रहता है, विदेश चली इमिग्रेशन की वजह से रहा। हमारे होटल में भी 5-6 इंडियन है, तो हमसे इंडियन से कम पोर्चुगीज लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया स्टेप ले रही है पोर्चुगल सैलरीज बढ़ाने में, या फिर जो भी आगे आगे फ़ायदे दे रही है गवर्नमेंट आगे आगे। काफ़ी सारे इमिग्रेशन भी बहुत तेज फास्ट कर दी थी बीच में उन्होंने, बट अभी स्लो करिए। इमिग्रेशन की वीडियो भी हम नेक्स्ट बनाएंगे कि क्या क्या हालात चल रहे हैं अभी इमिग्रेशन के, जो पासपोर्ट के लॉज बदले हैं, क्या उनकी रियलिटी है। क्योंकि अभी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है। ये नहीं कि आइए जी अब क्या हुआ था, अब टिकटॉक पे जो आप टिकटॉक देखते हैं सारे, जो भी पोर्चुगल से मेरी वीडियो देख रहा है, फिर कहीं यूरोप से देख रहा है, टिकटॉक पोर्चुगल में 5 साल से पासपोर्ट में, जो सारे इन्फ्लुएंसरों ने सारा ठोक ठोक के वीडियो यूट्यूब पे इधर उधर, क्योंकि व्यूज़ चाहिए, पैसा आ रहा है तो डाल दी, बट चूतिया बना रहे। फिर वही लोग कहते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। ग्राउंड रियलिटी कभी गांड बताते हो जब तुम देखते कोई लॉ ऐसी बता देते हो, पहले चीज़ें क्लियर थे, वो रूल चेंज हो गया। वो जो चीज़ वो बता रहे थे, जो हवा बना के वीडियोस लोग बना रहे थे कि 5 साल में पासपोर्ट पुर्तगाल में, मतलब 5 साल इन द सेंस जब से आपने फाइल लॉक करी है, ये नहीं कि जब से आपको TRC मिली है, तो वो बात सी उड़ी थी, सबने वीडियोस बना दी, बट रियलिटी कुछ और निकली बाद में, अब सबके मुंह बंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेसिक सैलरी मैंने आपको बता चुकी है 850 कह रहा हूँ, नहीं भगवान कह रहे 850 भी हो जाए, बट 820 हुई है। बट लेकिन जो आपको सैलरी है मिनिमम, अगर आप किसी अच्छी जगह काम कर रहे हो तो आपको 900-950 हज़ार सैलरी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई 700-800 में काम नहीं करता, करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मुठा के काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं तू इतना बोलता है, ये है वो है, हम पे इतने नहीं मिलते फलाना ठिकाना, बट कुछ नहीं है ऐसा। काफ़ी लोग हैं 900-950 हज़ार, 1100-1200 भी लेते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपका तरीका मैटर करता है। तो कुछ नहीं है, पोर्चुगल आ रहे हैं जो, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, 820 यूरोस हो चुके हैं मिनिमम सैलरी, उसके बाद आपका काम बोलता है। जितना आप एक्सपीरियंस होगे, जितना आप अच्छा काम करके दोगे, जितना आपके साथ बनेगी जहाँ पे आप काम करते हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि पानी मारना होता है, वो पानी मारना नहीं होता, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत और एक अपना स्टैंड बनाना लोगों में होता है। अगर आप वो बना लेते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जो यार आप इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हो ना, जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, दबाते हैं, टेंशन मत लो भाई, अपने ऊपर एक ही भरोसा रखो कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं अपने आप कर लूँगा सब कुछ, सब कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे आके भी, जहाँ पे कहीं अगर आप 100 लोगों को जॉब नहीं मिलेगी ना, उसमें आप अकेले ऐसे होगे जॉब निकाल जाओगे, जो आपको मिल जाएगी। आपके अंदर वो स्टैंड होना चाहिए, लोगों की बातें मत सुनो, क्योंकि इनको खुद को कुछ नहीं आता। जो आधे लोग होते हैं जो वीडियो बना के डाल देते हैं, तो दूसरों को भी ऐसे ही भड़काते हैं। बाकी प्यार दिखाते रहो वीडियोज़ को, पता लग गया होगा आपको सैलरीज का कोई इशू नहीं है, सैलरीज काफ़ी मिल जाती है, इतनी मिल जाती है कि आप अपना घर, खुद को, अपने घर वालों को, सबको सेटल सही से कर सकते हो एक पीरियड ऑफ टाइम तक। उसके बाद पोर्चुगल में रुकना सही नहीं है, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए फ्यूचर्स को लेके, अगर आपको पैसा कमाना है, जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगती है, जो मैं करने वाला हूँ, वही चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में, कि आपको एक स्टेप कैसे लेना चाहिए अगर आप पोर्चुगल आ रहे हो, तो उस वो फर्स्ट स्टेप पोर्चुगल क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं आगे आगे अगर कार्ड के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो आगे वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो ये बेसिक सैलरीज के ऊपर वीडियोज़ थी। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, प्यार दिखाते रहें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।